एमपी में सीएम बनने के बाद मोहन यादव लगातार एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहूं फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले लाउड स्पीकर को लेकर फैसला लिया, फिर खुले में मांस मीट की दुकानों को लेकर फैसला लिया, बुलडोजर चलने लगा। लेकिन अब एक और बड़ा फैसला लिया है सीएम ने, और ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में कैसे असर डालेगा और क्या ये बड़ा फैसला है, तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसकी तरफ से ये जानकारी निकलकर सामने आई, जिसमें कहा गया, इस बड़े फैसले का जिक्र करते हुए लिखा गया कि मोदी की गारंटी शब्द भी लिखा गया कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और दो बड़े फैसलों की बात आई, भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में लागू हो जाएगी कमिश्नर प्रणाली। आपको पता है पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला। साथ ही साथ भोपाल में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनेगी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। दो बड़े अहम फैसले। लेकिन पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लेकर मैं आपको बता दूं कि अभी ये भोपाल और इंदौर में लागू है, अब दो और जगह, जबलपुर का भी इसमें जिक्र है, दो और मध्य प्रदेश के बड़े शहर जहां पर अब लागू हो जाएगा कमिश्नरी सिस्टम। कमिश्नरी सिस्टम को लेकर आपको जानकारी है ही कि पुलिस जो है उसमें ज़्यादा प्रभावशील हो जाती है, पुलिस के पास पावर बढ़ जाते हैं कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद। तो आप जैसे जानते हैं कि मोहन यादव ने जब से शपथ ली है लगातार एक ताबड़तोड़ फैसले वाली इमेज उनकी इतने कम समय में उभर कर सामने आई है। पूरा अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले लगातार बड़े 5 फैसले ऐसे लिए मोहन यादव ने जो बता रहे हैं कि वो एकदम अभी जो है सीएम बनने के बाद तेज गति से फैसले लेकर एक इमेज जो है, जो प्रभाव है, वो ये छोड़ना चाह रहे हैं कि वो एक सख्त प्रशासक भी हैं और बड़े डिसीजन लेने में वो सक्षम है। मोहन यादव की ताजपोशी के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि मोहन यादव तेजी से क्या निर्णय ऐसे लेंगे जिसका असर मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। तमाम योजनाओं को लेकर भी उनसे समय समय पर सवाल पूछे गए, लेकिन हाँ, शुरुआत में उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए और कुछ फैसले ऐसे भी जिनको कहा गया सियासी गलियारों में कि वो हिंदुत्व की राह से जुड़े हुए फैसले हैं, जिस तरह की छवि योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन चूंकि कमिश्नरी सिस्टम को लेकर एक बड़ा फैसला है जो पुलिस विभाग पर भी असर डालेगा, क्योंकि भोपाल और इंदौर में पहले से ये प्रणाली लागू है, इससे पुलिस इन दो बड़े शहरों में, जबलपुर ग्वालियर में भी मजबूत होगी। आप देखते रहे एमपी तक।